हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? अ वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ गोप्रेफ फॉर ग्रेड 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली टेल मी, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल डूइंग? यस, हाय सारांश, व्हाट अबाउट अदर्स? हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, आज है आप लोगों का डाउट सेशन, राइट? So yes, let's just quickly start with it. So आप लोगों का last time जो doubt session हुआ था, that was for your microorganism chapter. But if you remember, हम लोगों ने conservation of plants and animals we did, right? So conservation and plants and animals से आप लोगों के अगर कोई भी doubt है तो you can ask in today's session. ठीक है, conservation of plants and animals. Fine. क्विकली जल्दी से करिए. डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? यस, इट्स अ डाउट सेशन स्टूडेंट्स, इट्स अ डाउट सेशन. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, अदरवाइज आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू ऑल टू आंसर. अगर आप लोग डायरेक्टली मेंटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू दैट. यस, डू यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट विद द मेंटी देन? यस ऑल ऑफ यू. चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, अभी वी विल स्टार्ट द मेंटी एंड आफ्टर दैट आई विल टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स. फाइन, इज इट कूल विद ऑल? चलिए तो फिर ठीक है, मेंटी स्टार्ट कर देते हैं. ओके पाथ, ग्रेट. टेक मिनी कोर्स ऑन कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बच्चे, मिनी कोर्स हैज ऑलरेडी हैपन फॉर योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर. ठीक है, तो दैट्स हैपनिंग एंड वी कैन नॉट टेक सो मेनी चैप्टर्स फॉर योर. यस, ओके क्विकली जल्दी से ज्वाइन करें मेंटी. द कोड इज 7643318. यस ऑल, जल्दी से ज्वाइन करिए मेंटी. क्विकली ज्वाइन इट. यस ऑल इफ यू. ओके, ऑल राइट. सो यस, द कोड इज 7643318. दैट्स द कोड स्टूडेंट्स, यू कैन क्विकली ज्वाइन. ऑल राइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटी नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड इट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी डज नॉट इंक्लूड. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी, दैट यू हैव टू टेल. ओके, यू आर अ बर्ड, दैट्स ग्रेट. चलिए बच्चे, जल्दी से आंसर करो फटाफट से. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड, सारांश मिसक्लिक. डोंट मिसक्लिक बच्चे, ट्राई टू अवॉइड एज मच मिसक्लिक एज मच एज यू कैन, बिकॉज देन सारा स्कोर चला जाएगा, मेहनत खराब हो जाएगी. ओके, सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बायोडाइवर्सिटी डज नॉट इंक्लूड योर सन, अदरवाइज पैरेट, एल्गी, बैक्टीरिया, ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी. सो लेट्स सी. ओके ग्रेट, सो फास्टेस्ट इज ट्विंकल टुडे. I think Twinkle is a new child here. Who is Twinkle? Okay, having a list of endangered species for an area is helpful too. What can it do? Having a list of endangered species of an area is helpful too.
How is it helpful? यस जल्दी से बताइए. ओके प्रताप, यू आर द वॉटरमेलन लोगो, दैट्स ग्रेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड? बच्चे वल्नरेबल इज दैट काइंड ऑफ स्पीशीज जिनका अभी एक्सटिंक्शन होने में थोड़ा सा टाइम है, दे आर नॉट एट द मार्जिन, बट अगर इनका भी ख्याल नहीं रखा गया तो वो पहले एंडेंजर्ड हो जाएंगी. सो फर्स्ट दे विल बिकम एंडेंजर्ड एंड इन नियर फ्यूचर दे विल ऑल्सो बी एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो यू कैन से एंडेंजर्ड से एक पहला जो स्टेप होता है वहां पर जो स्पीशीज आएंगी दैट इज वल्नरेबल. ठीक है, एंड देन एंडेंजर्ड यू नो विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. फाइन, इज इट ओके? डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क sanctuaries and biosphere reserves. Okay, but we will discuss it when I will bring the slides back, okay, after the mentee. Note your questions, okay? When I was asking, nobody was telling me the questions because without a pen, I cannot answer you. So I will answer all the questions there, okay? Ek baar hum log ye mentee khatam kar lete hain. Yes, today is the doubt session only. So I will answer all of your doubts. Fine, okay. So yes students, let's see the leaderboard for this question. Specific place पे आदित्य जो मिलता है उसको हम endemic species बोलते हैं. ठीक है, we call them as endemic species. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ टू डैश विच आर डैश एंड डैश. वॉट इज प्रेजेंट इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? टू डैश आर प्रेजेंट, वॉट आर दीज? ओके जल्दी से बताइए. So the faster you answer, the more points you are going to get. Students, do not forget that. And accordingly, jaldi jaldi se answer karo, theek hai? Okay. Kya why, bachche? Okay, let's see what is the correct answer. So the correct answer for this one is first, two wildlife sanctuary hoti hai jinka naam hai Bori and Pachmari. Theek hai, chaliye agla question aa chuka hai. Fourth question is here and it says that red book data is maintained by. Red book data kaun maintain karta hai? HRD, IUCN, UNSC या UNESCO? Which organization maintains the Red Book data? Okay Pratap, but try to answer fast because then only you will be winning the mentee. Okay? Okay fine. अरे इतना easy? क्या बहुत ज़्यादा easy है? Okay, let's see. फिर जल्दी जल्दी आंसर करो. अगर बहुत इजी है तो डोंट टेक सो मच टाइम स्टूडेंट्स. इफ यू थिंक इट्स वेरी इजी, जल्दी से क्विकली आंसर. दैट्स नाइस. So yes, IUCN is the correct answer. Indian Union of International Union of Conservation for Nature and National Resources. ठीक है, that is responsible for the maintenance of your red data book. Fine. Okay. चलिए, again Twinkle is here.
दैट्स नाइस. ट्विंकल कॉन्टिन्यूसली लीडर बोर्ड पे सबसे आगे चल रही हैं. हु इज ट्विंकल? हाई से हाई ट्विंकल. हु इज हियर? ये ट्विंकल कौन है मुझे भी पता चले जरा. When was Project Tiger launched in India? Yes. India में Project Tiger कब launch हुआ था? So you have to guess the date also and the year also. Fine, quickly जल्दी से answer करो. ओके सो एवरीबडी हैज वोटेड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था बच्चे 1 अप्रैल 1973 में. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड आफ्टर द क्वेश्चन आई विल शो यू द लीडर बोर्ड. फाइन ऑल राइट. Habitat fragmentation is caused by. Habitat fragmentation किसकी वजह से होती है? Acid rain, global warming, building roads or setting up a zoo. What is the main reason for the decrease in habitat or we can say the habitat fragmentation? बताइए जल्दी. ये भी easy है. That's nice. ओके ओके चलिए सो क्विकली जल्दी से आंसर कर दो बच्चे. एंड यस टाइम इज अप. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बिल्डिंग रोड्स. जब हम रोड्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उसकी वजह से हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है. फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को कट करने से ही तो हैबिटेट खत्म हो रहा है ना. ग्लोबल वार्मिंग तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है ग्लोबल वार्मिंग. फाइन यू अंडरस्टैंड दिस. ओके लेट्स सी अगेन हु इज ऑन द लीडर बोर्ड नाउ. So we have again Twinkle on the leaderboard. Great, great. Chaliye, so now the next question is here in front of you and it is asking you wildlife species that are in immediate danger of extinction. Unko hum kya kehte hain? Which are in immediate danger of extinction. Yani ki unko bahut zyada khatra hai and future mein they might face extinction. So 20 seconds. Absolutely, it is endangered. So endangered is the correct answer for this one. Yes, bache. What is the difference between endangered and threatened? Bache, there is no such category as threatened. बट थ्रेटेंड का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज जिनकी लाइफ को खतरा है. ठीक है यू कैन से एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड आर ऑलमोस्ट सेम ओनली बट वी डोंट हैव अ कैटेगरी नेम्ड एज थ्रेटेंड. द नेम ऑफ द कैटेगरी इज एंडेंजर्ड. फाइन ओके एथ क्वेश्चन इज हियर एंड इट इज आस्किंग यू. So assertion and reason is given here. दोनों statements दिए हैं. पहले तो जल्दी से इन statements को पढ़ लो whether they are correct or not. So assertion says domesticated animals and cultivated plants are not included in wildlife. यानी कि जो आपके domesticated animals होते हैं and cultivated plants होते हैं इनको हम wildlife में include नहीं करते.
रीजन इज दैट दे फ्लरिश ओनली अंडर ह्यूमन केयर. ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन केयर में फ्लरिश करते हैं. ओके, सो एब्सोल्यूटली करेक्ट. बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, एंड द रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन वेल. फाइन, चलिए चलिए. अब है बच्चे आपका अगेन. सो ट्विंकल इज कॉन्स्टेंटली ऑन द लीडर बोर्ड, दैट्स वेरी नाइस. इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई क्लास दैट समबडी इज होल्डिंग द पोजिशन सिंस the first question and it has been already the ninth question here. Chaliye assertion reason ki statements ko padh lo fatafat se and answer it. So the assertion says national parks are better than zoo and reason kya diya hai ki it is more beautiful. Okay, I think it's an easy question if you put some efforts on your brain. Okay, great. So A is correct, but R is wrong. ऐसा नहीं होता कि zoo ज़्यादा सुंदर है, national park सुंदर नहीं है. ठीक है, so it's this statement is totally not apt. Reason की statement ही गलत है. Fine. Okay. मैम मिनी कोर्स के लिए कॉल आ रहा था, मिस हो गया. ओके, यू कैन स्टिल ज्वाइन इट. अभी दो ही क्लासेस हुई हैं, जो मेन क्लासेस बची हैं यू कैन ज्वाइन देम. यू कैन कॉन्टैक्ट द गोप्रेप पीपल, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस. ओके, सारांश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर डेलिब्रेट एंड सेलेक्टिव किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय गवर्नमेंट, बताइए. डिजर्टिफिकेशन, कलिंग, पोचिंग, अटेनुएशन. सो यस, कभी कभी गवर्नमेंट को भी डेलिब्रेटली कुछ वाइल्ड लाइफ को किल करना पड़ता है ताकि उनकी स्पीशीज बहुत एब्रप्टली एक्सपैंड ना करे. सो बेसिकली वी कैन से फॉर द सेक ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए. ठीक है, तो बताइए इस टर्म को हम क्या कहते हैं. इट्स नोन एज कलिंग. नो, इट्स अ डिफरेंट थिंग. गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ वाइल्ड एनिमल्स को किल करती है डेलिब्रेटली, सेलेक्टिवली, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड ना करे. ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जाते हैं एंड फिर ऐसे वाइल्ड लाइफ को किल किया जाता है, एंड इट इज़ नोन एज कलिंग. पोचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. पोचिंग इज नॉर्मली जब ह्यूमन्स अपने बेनिफिट के लिए वहाँ से कुछ इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए एनिमल्स को किल करते, दैट इज पोचिंग. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ओके, लेट्स सी हु इज ऑन द लीडर बोर्ड नाउ. ओके, सो दैट मीन्स द फर्स्ट पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. नाउ जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो नीचे की पोजिशंस में आ रहे हैं. समबडी डू समथिंग. यस, अदरवाइज ऑलरेडी आई थिंक द विनर इज हियर इन फ्रंट ऑफ अस. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ टू क्वेश्चंस नाउ. By which of the following phenomena wildlife of two places far apart are connected? Yes, दो जगह के वाइल्ड लाइफ किस तरीके से या किस फिनोमिनन से कनेक्ट हो सकते हैं? ये भी बहुत आसान सा सवाल है. अगर थोड़ा सा ज्ञान, इफ यू पुट योर माइंड, यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन एज वेल. बताइए. या इट्स एन ईजी वन, आई नो इट्स एन ईजी वन. माइग्रेशन, एब्सोल्यूटली. माइग्रेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. सो दिस इज हाउ वाइल्ड लाइफ कैन बी कनेक्टिंग द टू प्लेसेस. फाइन, ओके, एंड हियर इज द लीडर बोर्ड. ग्रेट, चलिए अगला क्वेश्चन है.
And this is the last question, students. India has rich biodiversity because of. क्यों है इंडिया की इतनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी? What is the reason behind that? Its longitudinal position, its latitudinal position, its political impression, or its economical position. What is the main reason behind the rich biodiversity of India? चलिए चलिए, एवरीबडी इज आंसरिंग इन द ओके, ग्रेट. सो एवरीबडी हैज अगेन वोटेड. नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल पोजीशन. जिसने इतने सारे बच्चों ने इकोनॉमिकल पोजीशन मार्क कर दिया है, नो बच्चे, इट्स बिकॉज ऑफ देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन. क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक्स में लाइक करता है, ठीक है, एंड वहाँ पर डायरेक्ट हीट पड़ती है, अच्छी खासी सनलाइट आती है, अच्छी खासी बारिश होती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन ग्रो करती है. सो यू हैव मोर वेजिटेशन एंड यू विल हैव मोर बायोटा एज वेल. दिस गिव्स द इंडिया अ रिच बायोडाइवर्सिटी. इट्स ऑल राइट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाई इज इट सो? ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस लीडर बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. And the leaderboard today says that आज की विनर है Twinkle. Okay, congratulations Twinkle. And Twinkle hasn't said any hi till now in the chat box. Okay, it's Kavita. Okay, you are Twinkle. Fine, great, great, great. Okay, so your name is Twinkle. Fine, fine. ठीक है, समझ आ गया. Okay. ग्रेट ग्रेट ट्विंकल, यू डिड ग्रेट. एंड स्टूडेंट्स, चलिए अभी आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स थे, उनको ले लेते हैं. व्हाट वर योर डाउट्स? जस्ट क्विकली क्विकली आंसर, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में यू कैन आंसर, सॉरी नॉट आंसर बट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन कीजिए. ओके बच्चे, ऑल 10 स्टूडेंट्स के नेम मैं जैसे ही लेने जाती हूँ, उससे पहले ही अपने आप लीडर बोर्ड पर उसका नाम आ जाता है जो विनर है, तो इसलिए मुझे दिखते ही नहीं है, ठीक है. अदरवाइज आई कैन टेक ऑल द नेम्स जितने भी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फेड आउट होके सिर्फ विनर का नाम दिखाता है. सो इट्स समथिंग ऑलरेडी डन इन द मेंटी, ठीक है. सो यस, दैट्स द रीजन. यस, क्या क्या क्वेश्चन है? डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, सो बच्चे आपका नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सो एक तो मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई थी. नेशनल पार्क में आपके पूरे कोई भी स्पेशल टाइप के फ्लोरा या फौना की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, फ्लोरा फौना एवरीथिंग, सब कुछ उसके अंदर, इवन द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, द एंटायर लैंडस्केप, यहाँ पर सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाएगा. एंड इन द बायोस्फीयर रिजर्व यू कैन सी दैट योर, इट्स द मोस्ट लार्जेस्ट एरिया एंड एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहीं पे डायरेक्ट जितने भी फ्लोरा फौना जो मिलेंगे, ठीक है, एंड इवन द ट्राइबल कम्युनिटी. द मेन पार्ट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इज यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को रहने की इजाजत दी जाती है, ठीक है, इन द लास्ट वाला जोन, दैट इज द ट्रांजिशन जोन में. ओके, सो यस, दैट्स द मेन डिफरेंस. देन नेशनल पार्क्स में हमें इतनी वी कैन से वी डोंट रिक्वायर मच परमिशंस फॉर नेशनल पार्क्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हमें परमिशंस चाहिए होती हैं. फाइन, वी नीड अ लॉट ऑफ परमिशन, अदरवाइज वी कैन नॉट गो एंड एंटर इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड आपके बच्चे जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ कोर जोन के लिए ज़्यादा परमिशन चाहिए होती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज अलाउड हैं, ठीक है. So, okay, and I would also suggest you to go back and look at the session again, जहाँ पर मैंने पूरा चार्ट आपको दिखाया था,
right? If you remember, I showed you the entire chart and I explained you the differences, the main differences between all the three. Yes? बच्चे नेशनल पार्क और जू में आप यही बोलोगे कि यही डिफरेंस है. नेशनल पार्क इज ओन बाय योर गवर्नमेंट एजेंसी, जू कैन बी बाय गवर्नमेंट और द प्राइवेट एजेंसी. एंड जू कंपैरेटिवली एक छोटी प्लेस होती है, यहाँ पर कम स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में वी कैन प्रोटेक्ट अ लॉट ऑफ स्पीशीज. सो दैट्स द मेन डिफरेंस. ओके, यस, ऑल राइट. एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? बच्चे एग्जॉटिक स्पीशीज आर सम एक स्पेशल एक एरिया के अंदर कोई स्पेशल टाइप की अगर स्पीशीज दिखाई देती है जो कि मोस्टली और दूसरे रीजन्स में नहीं दिखती, उन्हें हम एग्जॉटिक स्पीशीज कहते हैं. फाइन, यस, ओके. सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड एंड आई थिंक और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे बच्चे, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम, डू ज्वाइन इट. And the link is also given in the description box. तो मेरे telegram group को join कर लेना. And अगर और भी आपके इसके अलावा कोई doubts होंगे, you can ask me there. All right. And अगर आपने अभी तक science और maths की special revision course को join नहीं किया है या फिर ace the grade, दोनों में से obviously आपको एक ना एक course की तो revision की ज़रूरत है ही, तो यू कैन जॉइन. एंड इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट. एंड स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का मिनी कोर्स आ रहा है, ठीक है? सो इट इज कमिंग फ्रॉम 16th of November. सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. इट्स अ 5-day कोर्स विच विल बी टेकन बाय अंकित सर. ओके, yes. And if you haven't started your GoPrep live learning journey with us, you can quickly download the app and join your learning journey with us on GoPrep. All right students, that was all for our today. To milte hain agli bar, meet you all next time. Till then, stay safe all of you, take care and keep enjoying, keep smiling. Bye bye all.